पीरियड का मिस हो जाना, ब्रेस्ट में तेज दर्द होना, टाइट हो जाना, झंझनाहट होना, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये तीनों ही सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी होने के नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर पनप रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड होने वाला है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको आपकी पीरियड डेट से कुछ दिन पहले ही अपने शरीर में महसूस होते हैं, यानी कि आपकी पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, कुछ बदलाव आ रहे होते हैं, जिन्हें अगर आप ठीक से समझ लेती हैं तो आप यकीन मानिए पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकती हो। क्योंकि फ्रेंड्स, पीरियड की डेट मिस हो जाना, ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये जरूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट होने पर ही आपको महसूस हो। ऐसा आपके शरीर में पनप रही किसी दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है। इसीलिए ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं या फिर किसी खतरे का संकेत, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। पूरा जरूर देखिए, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में। सबसे पहला बदलाव है सूंघने की क्षमता बढ़ जाना। जी हाँ, पीरियड की डेट आने से लगभग एक हफ्ते पहले आपको देखना है कि क्या आपके जो सूंघने की क्षमता है वो पहले की अपेक्षा अभी बढ़ गई है। इसका मतलब कि खाने पीने की या आसपास रखी चीजों में से आपको बहुत जल्दी ही स्मेल आ रही है, जैसे कि कोई चीज जलने की, हल्दी की, पनीर की, दूध की, दही की, छाछ की, इन सारी चीजों की जो स्मेल है वो आपको पहले इतनी जल्दी फील नहीं होती थी, लेकिन आजकल आपको बहुत ज्यादा आपकी जो नाक की सेंसेशन है वो तेज हो गई है, आप बहुत जल्दी ही इनकी स्मेल को फील कर लेती है। तो फ्रेंड्स, पीरियड से एक हफ्ते पहले अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपको, जैसे आप मसालों को, जैसे कि आप किचन के आसपास घूम रही होती हैं तो आप मसालों की स्मेल से आपको एलर्जी हो रही है, जैसे कि जैसे ही आप किचन में घुसती हैं आपको छींक आने लग जाती है, सूंघने की क्षमता आपकी बढ़ गई है, तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद ही आपको महसूस होता है। दूसरा खास बदलाव है सीने में जलन होना। जी हाँ, पीरियड की डेट आने से लगभग एक हफ्ते पहले आपको समझना है कि जब भी आप कुछ भी खाती हैं, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ नमकीन, यानी कि कुछ भी आप खाती हैं, हल्का खाना खा रही हैं या भारी खाना खा रही हैं, लेकिन आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, सीने में जलन अचानक से होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठंडी चीजें खाती रहे, यानी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आपकी जो एसिडिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि जलन थोड़ी सी कम हो जाए। अगर पीरियड की डेट आने से एक हफ्ते पहले आपके सीने में लगातार जलन हो रही है कुछ भी खाने के बावजूद, ऐसा नहीं है कि अगर आप खाने में बदलाव कर रही हैं फिर ये ठीक हो गई है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं है, बल्कि किसी और वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ भी खाने से अगर आपको सीने में जलन हो रही है तो ये प्रेग्नेंट होने का ही संकेत होता है। क्यों? महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो काम करता है, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे में आपको एसिडिटी, कब्ज, गैस, पेट फूलने, सीने में जलन होने की समस्या हो सकती है। तीसरा खास बदलाव है सांस लेने में तकलीफ होना। जी हाँ, ये जो सिम्टम्स फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि 100% सभी महिलाओं को फील होती है, लेकिन इसमें से कुछ सिम्टम्स कुछ महिलाओं में ज्यादा फील होती है, कुछ में कम फील होती है। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला की जो बॉडी है जिस तरह से अलग होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी हर महिला में अलग होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा परेशानी आती है प्रेगनेंसी के दौरान तो कुछ महिलाओं को पता ही नहीं चलता, स्मूथली उनकी प्रेगनेंसी चलती रहती है, यानी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है फिर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। वही कुछ महिलाओं को थोड़ी ज्यादा समस्या आती है, इन्हीं में से एक है जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना। इस दौरान क्या है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, आपका वजन भी थोड़ा सा गेन होने लग जाता है, यानी वजन बढ़ने लग जाता है, इसकी वजह से
से क्या है कि आप थोड़ा सा काम करती हैं, थोड़ा सा वॉक करती हैं, कुछ भी एक्टिविटी करती हैं, तो आपको थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर ये बदलाव आपको पीरियड की डेट से 1 हफ्ते पहले से महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। चौथा खास बदलाव है बार बार भूख लगना। जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही काफी सारी महिलाओं की बॉडी में जब हार्मोनल ये चेंजेज आ रहे होते हैं तो कुछ महिलाओं को बार बार भूख लगती है, यानी कि फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पीरियड की डेट आने से 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले से आपकी भूख अचानक से बढ़ गई है, यानी कि आपको पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, आप खाना खा लेती हैं, उसके 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगता है आपका पेट एकदम से खाली है और आपको अभी कुछ खाना है, हर समय कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है, तो फ्रेंड्स ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है तो कुछ महिलाओं को भूख बहुत ज्यादा लगती है। वही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें कंसीव करने के बाद से ही भूख उनकी मर जाती है, यानी कि उन्हें भूख नहीं लगती। तो भूख बहुत ज्यादा लगना या भूख बहुत कम लगना, ये दोनों ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकती है। बस फर्क इतना है कि आपको अपनी बॉडी में इन्हें ऑब्जर्व करना है। पांचवा खास बदलाव है पेट में सूजन आना। जी हाँ, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके जो यूटरस है उसका आकार बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पेट का निचला हिस्सा है, पेल्विक एरिया, उसमें आपको भारीपन फील हो सकता है, ऐसा लगेगा सूजन आ रही है, पेट अचानक से ऐसा लगेगा पेट फूला फूला सा क्यों है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको पीरियड की डेट आने से 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले फील हो रहे हैं तो इसे भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये है वो पांच खास बदलाव जो कि पीरियड की डेट से आने से 1 हफ्ते पहले आपको अपनी बॉडी में नजर आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक महिला को पूरे पूरे नजर आए, इनमें से 2 से 3 सिम्टम्स भी अगर आपको फील हो रहे हैं लेकिन पीरियड की डेट से 1 हफ्ते पहले, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स माने जाते हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अभी पीरियड गए हुए 10 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कुछ सिम्टम्स फील होते हैं जैसे कि बार बार भूख लगना, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स फील होते हैं। पीरियड का मिस हो जाना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, ये कुछ सिम्टम्स कुछ महिलाओं को उनके पीरियड के 1 हफ्ते बाद से, 10 दिन बाद से ही फील होने लग जाती हैं। देखिए, पीरियड की डेट के निकलने के तुरंत बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन होता है और आप इंटीमेट होते हो और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है, तब जाके आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो। पीरियड के तुरंत बाद अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स फील हो रहा है तो फ्रेंड्स ये पीसीओडी या पीसीओएस होने के संकेत भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना, इनमें काफी सिमिलरिटी होती है। ये सिम्टम्स आपको ओवुलेशन के टाइम पर भी फील हो सकते हैं, ये सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर भी फील हो सकते हैं, ये सिम्टम्स आपको पीसीओडी होने पर भी फील हो सकती है। तो इन सिम्टम्स में आपको अंतर करना भी आना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या फिर किसी दूसरी बीमारी की, तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं। इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में समझने के बाद भी आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएं। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक काम जरूर करना है, जैसे कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है हमारा, काफी बदलाव हो गया है। अपन लोग जो है सिटी में रहते हैं, यहाँ पर हम जो भी खान पान खा रहे हैं, जो भी सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो पूरी तरह से संतुलित नहीं होते हैं और स्वस्थ भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को स्टेबल रखा जाए और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई इश्यू होने वाला है उससे भी आपको बचाया जा सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको यूजफुल जरूर लगेगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।